कोणत कांची दामा करिकलभ कुंभस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरचंद्रवदना धनुर्बाणान पाशं श्रीणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्ताम् नः पुरमथि तुराहो पुरुषिका मुखरित कांची कृशकटशोभित करिकलभों के कुंभ समान कुछ युग से कुछ झुकी हुई मुख शरत चंद्र के समछविमान चारों कर कमलों में धारे अद्भुत पाशांकुश धनुबाण करे शंभु पुरुषत्व बोधिनी हमें सदा निज दर्शन दान। सौंदर्य लहरी के सातवें श्लोक में भगवान शंकराचार्य मां पराशक्ति की आराधना करते हुए उनके परम कृपालु दिव्य सौंदर्य युक्त मातृ स्वरूप का आह्वान करते हैं। मां भगवती के उस आश्चर्यमय रूप को संसार भर के समस्त मानव जाति के लिए उनके कल्याण हेतु दर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। जिसकी कटि पर कमर पर कण कण शब्द करने वाले घुंघरुओं युक्त मेखला बंधी हुई है, जो हाथी के बच्चे के मस्तक पर निकले हुए कुंभ सदृश वक्षस्थल के भार से झुकी हुई है, जो मां भगवती शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा समान मुख वाली है और चारों हाथों में धनुष पंच विशिक अर्थात पांच बाण लिए पाश और अंकुश धारण किए हैं। आहो त्रिपुरारी पुरुषिका, हे त्रिपुरारी का गर्व, शंकर का अभिमान, शिव का अहंकार। त्रिपुरारी पुरुषिका अर्थात जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से अतीत भगवान शिव का स्त्री स्वरूप। ओ मां भगवती महामाया, मन रूपी मधुर रस युक्त इक्षु धनुष पर जिस पर संकल्प रूपी भंवरों की प्रत्यंचा चढ़ी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक पांच विषय रूपी बाणों को चढ़ाकर मनुष्य का समग्र जगत का आखेट करती है, जिनसे बिद्ध होकर मनुष्य पाप कर्मों की ओर बढ़ चलता है। फिर राग अथवा आसक्ति रूपी पाश से बांधती है उसे और क्रोध रूपी खांड से बने अंकुश से ताड़न करती है। विचित्र है लीला शिव की, अपनी ही शक्ति से वे स्वयं बंध जाते हैं। साधक जनों को यदि महामाया के आखेट से स्वयं को बचाना है तो कामिनी के कामातुर बाणों से बचे रहना होगा। भगवती के चरण मात्र की वंदना ही उस आसक्त पाश से बचने का एकमात्र उपाय है। इन दिस सेवेंथ वर्स ऑफ सौंदर्य लहरी भगवान शंकराचार्य प्रेज टू मां पराशक्ति द वॉन्टिंग पावर ऑफ शिवा टू ब्लेस हिम विद हर डिवाइन विजन। He urges her to appear as a mother, the greatest of all human forms, not for him, but for us all humans to be able to feel that they are born out of her. O Ma Parashakti, appear before us fully adorned, with a full moon face, full bosom, slender waist with a waistband, studded with tiny bells and gems, holding a bow, arrow, a noose, and a goad in your four hands. Her twinkling waistband is symbolic of the origin of life in the form of fire in the navel chakra. Her act of sustenance involves fivefold activities: creation, sustenance, dissolution,
concealment and finally grace or liberation. Creation happens due to fire energy at the navel chakra, and whatever is created is sustained and nourished like a mother does. Which is subtly conveyed through the description of her full bosom. The bend in her structure is due to her compassion and concern for her children. This also subtly conveys the heart chakra that expresses universal love. Her autumn moon face, enamored by all 16 kalas of moon, full of bliss, smile and curiosity. Eyes more beautiful than lotus petals, and teeth resembling jasmine flowers. Her weaponries include a noose, a paash, a rope that pulls all the desires of her devotees, a goad, ankush, a long stick with an elephant hook to destroy hatred from the minds of her devotees and lead them towards knowledge. A bow of sugarcane means if one crushes or controls his mind, it gets filled with sweetness, good thoughts of pure sweet devotion. And five arrows of five flowers, lotus, Raktakairav, Kalhara, Indivar and mango flower, that subtly represent excitement, madness, confusion, stimulation and destruction of the human mind. It is believed that one who meditates on these weaponries gets rid of Maya, is able to destroy the illusion of Maya spread by these five arrows and overcomes the fear of death. अब मिलकर पुनः एक बार नौ बार आवृत्ति करेंगे इस श्लोक की और आज का पाठ संपन्न करेंगे। कोणत कांची दामा करकलभ कुंभस्तननता परीक्षिणा मध्ये परिणत शरचंद्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्तां नः पुरमथि तुराहो पुरुषिका कुणतकाञ्ची दामा करकलभ कुम्भस्तननता परीक्षिणा मध्ये परिणत शरचंद्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्तां नः पुरमथि तुराहो पुरुषिका क्वणत कांची दामा करकलभ कुंभस्तननता परीक्षिणा मध्ये परिणत शरचंद्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्तां न पुरुमथि तुराहो पुरुषिका क्वणत कांची दामा हरिकलभ कुंभस्तननता परीक्षिणा मध्ये परिणत शरचंद्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्तां नः पुरुमथि तुराहो पुरुषिका
क्वणत कांची दामा करकलभ कुंभस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चंद्रवदना धनुर्बाणान पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्ताम्नः पुरमथि तुराहो पुरुषिका क्वणत कांची दामा करकलभ कुंभस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चंद्रवदना धनुर्बाणान पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्ताम्नः पुरमथि तुराहो पुरुषिका क्वणत कांची दामा करकलभ कुंभस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चंद्रवदना धनुर्बाणान पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्ताम्ना पुरुमथि तुराहो पुरुषिका क्वणत कांची दामा करकलभ कुंभस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चंद्रवदना धनुर्बाणान पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्ताम्नः पुरुमथि तुराहो पुरुषिका क्वणत कांची दामा करकलभ कुंभस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चंद्रवदना धनुर्बाणान पाशं श्रेणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्ताम्नः पुरमथि तुराहो पुरुषिका